एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एपी कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फ्राई। उसके लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम के करीब चिकन ले लिया है। इसे हम एक कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ मसालों में हमने ले लिया है 2 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। यहाँ पे हमने 8 से 10 लहसुन की कली ले ली है, 1 इंच के करीब अदरक ले ली है और 3 मिर्ची से हमने मिक्सर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। और यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून के करीब सॉल्ट ले लिया है। 1 टीस्पून के करीब हमने यहाँ पे गरम मसाला ले लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम चिकन के अंदर ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस ऐड कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। में हमें ज़रा भी पानी नहीं ऐड करना है। चिकन अपना पानी खुद रिलीज करती है और इसी में ही हमें इसे पकाना है। चिकन ने अपना पानी रिलीज कर दिया है। इसे हमें 70-80% पकाना है, ज़्यादा नहीं कुक करेंगे। हमारा चिकन पूरी तरह से सूख चुका है, हमने इसे फ्लेम को हाई करके सुखा लिया। अब हम इसे ठंडा कर देंगे। अब यहाँ पर हमने 2 कप्स के करीब ओट्स ले लिया। आप किसी भी कंपनी का ओट्स ले सकते हैं। 1 अंडे को हमने बीट कर दिया थोड़ा सा सॉल्ट डाल के। और यहाँ पे हमने मैदा ले लिया है। ओट्स के अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के करीब अदरक का पाउडर ले लिया है और 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। थोड़ा सा सॉल्ट ले लिया है और यहाँ पे हमने मिक्स हर्ब्स ले लिए। अगर आपके पास अदरक का पाउडर और हर्ब्स नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारे चिकन को हम कोट करते चलेंगे। यहाँ पे हमने एक चिकन की पीस ले लिया। सबसे पहले हम इसे मैदे के अंदर कोट करेंगे। एक्सेस अमाउंट को हम ऐसे झटक लेंगे। फिर हम इसे अंडे के मिक्सचर में डीप करेंगे। उसके बाद हम इसे ओट्स के मिक्सचर में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इसी तरह हमें सारे चिकन को अच्छी तरह से कोट कर लेना है। अगर आपको टेस्ट में ओट्स नहीं पसंद आता तो आप ओट्स की सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। आप ब्रेड क्रम यूज़ कर सकते हैं इसे कोटिंग करने में, इससे भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे हमने चिकन को अच्छी तरह से कोट कर लिया है। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। एक एक करके हम हमारे चिकन के इसके अंदर डीप कर लेंगे। अब हमने सारे चिकन्स को इसके अंदर डीप कर लिए। अब हमें साइड को चेंज करके इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। हमने चिकन को पहले से ही गला लिया था इसलिए इसे फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब हम चिकन को निकाल लेते हैं। अब हम हमारे चिकन को इस तरह के प्लेटर पे निकाल लेते हैं। ये शेजवान चटनी है। आप
इसे किसी भी सॉस या शेजवान चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये हमारी होममेड शेजवान चटनी है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, आप नीचे जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।